हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं दो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो है हमारे माइक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो ये मैं अभी बिना माइक के शूट कर रहा हूँ, तो आप इसे सुन सकते हैं। और अब मैं इसे माइक के साथ शूट करूँगा और हम इसे कंपेरिजन करेंगे कि ये जो माइक्स है कितने यूज़फुल है आपको ब्लॉग बनाने में, आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो ये अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस बॉक्स में ये है कंपनी का नाम मैक, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। जस्ट हमें जो सेटअप करना है, ये इस बॉक्स में आता है, कंपनी बॉक्स में। और इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखने मिलेगा बॉक्स, देन इसके अंदर आपको कनेक्टर्स मिलते हैं। ऐसे तीन कनेक्टर्स मिलते हैं। तो ये जो कनेक्टर है, ये आपका लाइटनिंग कनेक्टर है जो इसके साथ कनेक्ट होता है। ये आपका एक टाइप सी के साथ आता है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो ये टाइप सी से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप iOS यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, तो ये कनेक्ट होगा पहले इसमें, फिर इसको आपको आईफोन में कनेक्ट करना है। तो ये हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो iOS से यानी कि आईफोन से कनेक्ट करने के लिए आपने वो कनेक्टर लगा दिया, डायरेक्ट आपके आईफोन में कनेक्ट हो जाता है और जो हमारा वीडियो है वो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक होना चालू हो जाती है अगर ये कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे इसका चार्जिंग कनेक्टर है। इस बॉक्स में, ये जो इसका पूरा बॉक्स है, इसके अंदर आपको दो माइक मिलते हैं। तो आप इससे जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो सब कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के साथ इस बॉक्स में आपको दो माइक मिलते हैं, दो माइक रिसीवर मिलते हैं, एक कनेक्टर मिलता है। उस कनेक्टर के साथ साथ ये ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर आप इसे अपने माइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हेडफोन लगा सकते हैं ताकि आप जो आवाज़ बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो हमने बॉक्स के कंटेंट देख लिए। ये जो है इसका चार्जिंग केस है। इस चार्जिंग केस में आपको दो माइक रिसीवर मिलते हैं जिससे आप अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई, तो आप अपने पॉडकास्ट भी इस पे कर सकते हैं या किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी है आप प्रॉपरली इस पे कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कनेक्टर है वो आपके एंड्रॉयड से भी कनेक्ट हो जाता है और आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता है। आईफोन में ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके कैमरा से, बट एंड्रॉयड के अंदर आपको एक ऐप अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है जो ये कनेक्ट होता है उस कैमरा ऐप से, और फिर आपका माइक कनेक्ट होता है। तो ये प्रोसीजर है एंड्रॉयड के लिए। और इसमें आपको ये दो कनेक्टर अलग से मिलते हैं जो आपके माइक में जाता है। तो यानी कि आप अपने माइक से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपका हेडफोन भी चले जाएगा। तो आप हेडफोन लगा के अगर कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको सुनना है कि आपकी वॉइस कितनी क्लियर आ रही है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये मुझे पड़ा है कुछ 1000 के आसपास। और इसका एक और एक वेरिएंट आता है जिसमें दो की जगह एक ही माइक आता है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, वो कुछ 700 के आसपास आता है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो पहले जो मैं यूज़ करता था वो था डिजिटेक का माइक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो इसमें चार्जिंग केस नहीं था। तो इसमें अगर बॉक्स कंटेंट देखेंगे तो हमें ये मिलता है कनेक्टर और ये इसका रिसीवर है। तो ये दो चीज़ें ही हमें मिलती हैं। इसके साथ हमें एक चार्जिंग केबल मिलता है जिससे आप अपना रिसीवर चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो रिसीवर है, कम से कम इसका बैकअप 4 घंटे से 6 घंटे तक देना चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा था। और ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था हमेशा, जब भी मैं वीडियो शूट करने जाता था तो मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा होती थी कि मेरा माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता था। तो इसके वजह से मैंने ये कंपनी का मैक करके, ये कंपनी का नाम है, इसके मैंने रिव्यू देखे, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेस किया। तो एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि डिजिटेक जो है अच्छी कंपनी है और इसके बहुत महंगे भी माइक्स आते हैं जो नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं और काफ़ी फीचर्स के साथ आते हैं। तो ये मैंने जो परचेस किया था बहुत ही बेसिक माइक था, तो इसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये भी कुछ 1000 के आसपास ही आता है। तो अगर आप डिजिटेक के अंदर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा और इसके महंगे माइक्स लेना है, तो आप अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ज़रूर ले। नहीं तो अगर जो मैंने आपको बताया मैक का माइक, ये बेस्ट माइक है। अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही बेस्ट माइक है बजट के हिसाब से। तो इसमें आपको एक केबल भी मिलती है चार्ज करने के लिए केस को, और ये टाइप सी है, तो इस वजह से ये थोड़ा फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो कैसा था कि अगर आप कोई शूट करने जा रहे हो और आपका माइक डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस रीज़न से मैंने ये केस वाला माइक परचेस किया।
ताकि अगर कोई शूट आपका कर रहे हो तो कम से कम आपका माइक हमेशा चार्ज रहेगा और केस को आप हमेशा चार्ज करते रहे। तो एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो ये माइक कम से कम 6 घंटे तक आपको चल सकता है, जो इन्होंने क्लेम किया है, और केस का कुछ 60 घंटे तक ये चलेगा। तो इस वजह से मैंने ये परचेस किया। और जितने भी यूट्यूबर्स जो अपने नए चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिनके लिए बजट माइक चाहिए, तो अगर आप कोई माइक परचेस कर रहे हैं तो मैं ये आपको रेकमेंड करता हूँ मैक का माइक, जो 1000 के नीचे मिलता है और आप इसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसा आपने पहले चेक किया, पहले जो मैंने हमने स्टार्ट किया था वीडियो तो उसमें माइक नहीं था, तो अब माइक है तो उसमें जो क्लैरिटी मुझे मिल रही है वॉइस में, वो आप कंपेयर कर सकते हैं और ख़ुद भी आप जज कर सकते हैं कि ये कितना बेटर है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली माइक देख रहे हैं जो आपको 1000 के आसपास मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक चार्जिंग केस भी मिल रहा है, इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर है नॉइज़ कैंसलेशन का, तो इसमें 3 लेवल तक आप नॉइज़ कैंसिल कर सकते हैं। तो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो 3rd लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन है, तो जिसमें बहुत काफ़ी हद तक नॉइस आपका बैकग्राउंड रिड्यूस हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन में ये बेस्ट माइक है। और जितने भी नए यूट्यूबर्स अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर से ज़रूर रेकमेंड करूँगा। तो आपके जो भी कमेंट्स या फीडबैक है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।